लेकर मैं जा रहा हूँ। अरे भैया की हिस्सा मैंने छोड़ दिया हूँ। महाराज लगता है झगड़ू आ रहा है। हाँ 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 रास्ते में झगड़ू को आवाज आ रहा है। हाँ चलो देखेंगे। कोशिश किया अच्छा तो तुम पांव काट झोल समझे बोले चाचा जी बोलेंगे बेटा झगड़ो ये बताएंगे बगीचे से आधा हिस्सा छोड़ सारे बगीचा को कटवा कर क्यों नहीं अब ये कहां ले जा रहे हैं अपना हिस्सा जलावन में अपने घर ले जा रहा हूं। अच्छा हिस्सा लाल बाग में छोड़ दिया है बेटा मैं मेहमान नहीं हूँ ये आधा हिस्सा आपको हाँ और मेरा आधा हिस्सा छोड़ चुके छोड़ चुका है तू भी जाओ गाड़ी से ले आ चाचा जी छोड़ेंगे पहले मेरे प्रश्न का जवाब देंगे जरूर देंगे ये बताएंगे आखिरी बगीचे कटवाया क्यों कारणवश बगीचे कटवा दिया क्यों कटाया रे मेरा दिक्कत हुआ तुम्हारा पूरा प्रतिज्ञा था अच्छा मुझे मालूम नहीं था अच्छा मेरा बेटा हरा गया अच्छा पांच आम भद्दा मांगने के लिए अच्छा नहीं दिया कोई बात नहीं है तुम्हारा लड़की नहीं दिया अच्छा लेकिन एक आम टभक कर नीचे गिर गया और आधा मुख में रख दिया चाचा जी फिर मैं आपको एक जवाब मैं दे रहा हूँ तो? मेरे भाई कागाश्री बगीचे के अंदर ड्यूटी कर रहे थे सही बात मैंने इजाजत दिए हुए थे क्या नहीं कि जब तक बगीचे को अंदर असमय यज्ञ नहीं करेंगे क्या नहीं पहली पहली बार बगीचे को अंदर भद्या फली हुई है सही बात पहले मैं वो बगीचे के अंदर असमय यज्ञ करेंगे अच्छा दस पांच ब्राह्मण भोजन कराएंगे सही बात पहले मेरे बुढ़े बाबा और मेरी बुढ़ी माँ भोग लगाएगी उसके बाद महाराजा झगड़ू सिंह भोग लगाएंगे अच्छा उसके बाद दुनिया वालों ने भोग लगा सकता लेकिन इसके अलावा ओ नोनी आल्हा ने आप झूठा क्यों किया कौन नहीं करेगा क्यों जात की बच्चा है उससे जो मर्जी होगा सो करेगा झगड़ू सिंह तुम जो कहेगा वो नहीं मानूंगा चाचा जी बोलेंगे कान खोल करके सुन लीजिए बोलो जानते हैं कि ये बगीचा केवल सिर्फ तोरण सिंह का पक्षा अपने मर्जी से मैं कह रहा हूं कि ये तोरण सिंह का बगीचा रोपा गया और बचपन से पानी पटाया गया अच्छा लेकिन ये बगीचा कोई जासर सिंह का नहीं तो मेरा है जासर सिंह का कोई भी इसमें वो नहीं है कि जासर सिंह का हिस्सेदार है अच्छा लेकिन ये तोरण सिंह का पानी पटाया हुआ ये केवल सिर्फ तोरण सिंह का बगीचा है जासर सिंह का बगीचा नहीं क्या नहीं समझे कागज के वाला मेरे जेब में और हिस्सा तुम्हारा कह रहा है तेरा बगीचा मैं कह रहा हूँ मेरा था तब तो कटवा दिया तेरा बगीचा नहीं तेरा बाप का पानी झगड़ो बोलने का हौसला नहीं है तुम्हारा शैतानों की तरह बात करते हैं तुम शैतान की तरह से बात करते हो बगीचा कटवाने वाले शख्स तुम कौन होता है मैं हूँ बगीचा काटने वाले शख्स को मैं रे नौकर लगा लगा करके मैंने पानी पकाया हूँ कम ज्यादा तू कहता है मेरा है झगड़ो सिंह मर गया प्रेम लड़ाई न करो
ये तेरे न बोली बोल रहमन हीरा कब कहे जब लाख टके की बोल Thank you.
क्या कहती कि कैसे मेरे देवर निर्दय है कि मेरे पुत्र को मार दिया। अच्छा हुआ कि तलवार तूने लिया, अच्छा हुआ। चाचा जी बोलेंगे बुढ़े हो गए क्या हो रहे हैं, बोलने का ढंग नहीं। अच्छा चाचा जी बोलेंगे आपको लोहा लड़ने का कोई तरीका मैं ये अच्छा नहीं देख रहा हूँ। अच्छा क्योंकि लोहा लड़ने का तरीका होना चाहिए, समझे? सही बात, अच्छी बात है, ठीक है। ये ढाल को लीजिए, मैं रेरे का उपयोग करता हूँ। चलो मलजूत सिंह हरियाणा। हाँ मलजूत सिंह हरियाणा होगा क्या नहीं, फैसला मलजूत से होगी। सही बात, आएंगे तैयार होगा।